प्लेन से विनस सिटी जा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन प्लेन तो एक ही जगह पे खड़ा है, देखो हम हिलडुल भी नहीं रहे। यूडी, प्लेन के अंदर ही ऐसी शांति है, बाहर इसकी स्पीड काफी होती है। दीजिए, खराब मौसम के कारण प्लेन हिल रहा है, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। अरे मौसम तो ठीक है, लेकिन नाना जी ठीक नहीं है। हेलो, सुनते हो नाना जी, उठो। यहाँ कुछ दाल में काला लग रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये लोग मुझे कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो अब क्या करना है? हेलो मैम, ये जो आदमी अभी अभी टॉयलेट गया है, कुछ गड़बड़ दिखाई देता है। इसके कुछ साथी भी हैं जो आपस में कुछ इशारे कर रहे थे, उनके हाव भाव भी कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं। अरे कुछ नहीं बेटी, आप जाओ, जाकर बैठो, यहाँ सब ठीक है। You are completely safe. Don't worry. And please take your seat. हम लोग हैं ना यहाँ पर। जो कोई अपनी जगह से हिला दो, नाम है शेरा, करता हूँ रोशनी में अंधेरा। जब तक पुलिस हमारे कुछ साथी जो जेल में कैद हैं, उनको छोड़ नहीं देती, तब तक ये प्लेन हमारे कब्जे में है। अरे तुम सही कह रहे थे, ये लोग आतंकवादी हैं। चुपचाप प्लेन उड़ाते रहो, हमने ये प्लेन हाईजैक किया है। अरे उठो, प्लेन हाईजैक हो गया है, उठो भी। क्या प्लेन हाईजैक कैसे हो गया? ए, तुम लोग ध्यान से सुनो, इंस्पेक्टर लड्डू सिंह हमारा दोस्त है, खास दोस्त, कुछ भी गड़बड़ की तो तुम नहीं बचोगे। ओह सॉरी सॉरी, आप इंस्पेक्टर लड्डू सिंह के दोस्त हैं, आप घर जा सकते हैं। चलो बच्चों, हम लोग घर चलते हैं। देखा धमकी काम आ गई। ओपो, हम प्लेन में हैं और प्लेन आसमान में है, हम घर नहीं जा सकते, चुपचाप बैठ जाओ। आप किसी को फोन कर सकती हैं? हाँ, मेरे पास सैटेलाइट डिवाइस है जिससे हम एयरपोर्ट और पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। हेलो पुलिस, हमारी फ्लाइट नंबर 00032 ए, क्या कर रही हो? खबर तो जो किसी ने फोन करने की कोशिश की तो। अरे अंकल जाने दो ना। ए, बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको बर्थडे विश करने के लिए खड़ा हूँ अंकल, ये देखिए केक भी है। बर्थडे? मेरा बर्थडे नहीं है आज। तो मेरा होगा, मेरे ही बर्थडे का केक खा लो। अंकल, अंकल बाथरूम जाना है। चुपचाप बैठे रहो। अंकल प्लीज, प्लीज जाने दो ना। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज जाने दो ना। hey, चुप, बड़ा चुपचाप, नहीं तो मारूंगा। ने क्या कहा? वो लोग कमांडोस भेज रहे हैं। ओके, तब तक हमें इनको संभालना होगा।
ए बच्चे, वो मेरा दूसरा साथी कहाँ गया? पीछे बर्थडे केक खा रहा है। ओए, केक खा रहा है? कौन सा फ्लेवर है? केक तो मुझे भी बहुत पसंद है। अंकल, चॉकलेट फ्लेवर है। चॉकलेट फ्लेवर? मेरा फेवरेट। ये किसने किया? मैंने। ए तुम! तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? कैसे? अंकल, ये चॉकलेट फ्लेवर, ये वैनिला फ्लेवर, ये कैरमल फ्लेवर, ये बनाना, ये स्ट्रॉबेरी। अरे बस, अब कभी जिंदगी में केक नहीं खाऊंगा। तुम कैसे फाइट करती हो? अगर उन्होंने देख लिया तो हमको यहीं से नीचे फेंक देंगे। सब कुछ नॉर्मल रखिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ओके, मैं सबको पानी सर्व करती हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो पानी सर्व कर रही हूँ। इधर ला। पीछे एक लड़का हमारे साथियों को मार मार के कीमा बना रहा है। जाओ जल्दी कुछ करो। कॉकपिट में पायलट तक इन लोगों से बचकर जाने का कोई और दूसरा रास्ता है क्या? सिर्फ ऊपर से एक रास्ता जरूर है। ऊपर से? क्या प्लेन की छत से? नहीं नहीं, ऊपर वाली छत और इस छत के बीच में वायर्स जाने के लिए गैप होता है। तुम चाहो तो वहाँ से जा सकते हो। कहाँ गया वो लड़का? ढूंढो उसे। अरे शेरा अंकल, आपके सब साथी पकड़े गए। पकड़े गए? किसने पकड़े? कमांडोज आ गए क्या? अरे सबको एक बच्चा पीट रहा है। बच्चा? बच्चा कैसे पीट सकता है इतने लंबे तगड़े लोगों को? ऐसे। अंकल आप ही आ जाओ, बाकी लोगों को क्यों पिटवा रहे हो? एक बच्चे से नहीं लड़ पा रहे तुम दोनों, जाओ। अंकल अब तो आ जाओ। शाबाश शिवा, मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बता देना। आपको बहुत चोट लगी है। हाँ,
यहाँ बैठ जाओ और बेल्ट लगा लो, लोग आपको पैसेंजर समझेंगे। थैंक यू। अंकल आंटी एक यहाँ है, अब ये उठ नहीं सकता, बेल्ट लगी है। धोखेबाज चीटर। हैंड्स अप, सब हैंड्स अप हो जाओ, वरना अब मैं तुम लोगों को गोली मार दूंगा। लाइए सर ये गन मुझे दे दीजिए। इसका मतलब है कि आप भी इनसे मिले हुए हैं, आपने ही किसी को फोन नहीं किया, कोई कमांडो नहीं आ रहा। हाँ ये सब मेरे ही साथी हैं, मैं ही नहीं यहाँ तक लाई थी, और कमांडो की क्या जरूरत है, तुम हो ना यहाँ वन मैन आर्मी, लेकिन तुम्हारा खेल भी अब खत्म बच्चे। शिवा को बच्चा नहीं कहना आंटी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हम शिवा के दोस्त हैं, शिवा का हर दोस्त हिम्मत वाला होता है। खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। एक बार मेरे गांव में क्या हुआ कि निशानेबाजी का मुकाबला चल रहा था। आधी गांव की बात बाद में कर लेना। बताओ बताओ, गांव की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। ये रिवॉल्वर भरी है, इधर मेरे हाथ में रख दो और गांव की बात करो। तो एक बार हुआ यूं कि गांव में डाकू आ गए और उन्होंने ऐसे गन तुम्हारे ऊपर तान दी। अब आगे की स्टोरी मैं सुनाऊंगा। और करो ड्रामेबाजी। अंकल सॉरी, सॉरी मैंने आपको काट लिया, सॉरी। कहाँ काटा? हाथ में। तो तू लाई थी इन हाईजैकर्स को, शर्म नहीं आती ऐसे काम करते? ये ले। नानी एक और जमा के, जैसी करनी वैसा फल, कैसा स्वाद है इस फल का। अरे देखो वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। आप प्लेन को सेफली लैंड कीजिए, मैं उसको पकड़ता हूँ। शिवा कृपया ध्यान दें, इमरजेंसी सिचुएशन होने की वजह से हमें प्लेन वेदास एयरपोर्ट पर उतारना पड़ रहा है। अरे ये बच्चा है या बला है? जल्दी से जीप लेकर आओ, हमारे साथियों को छुड़ाने का प्लान भी यूज करना होगा। फौरन बहुत तेज यहाँ से निकल लो, वो बच्चा मेरे पीछे पड़ा है। क्या सरदार, एक बच्चे से डर रहे हैं आप? अरे बच्चा नहीं है वो, जीता जागता तूफान है, भाग लो। लड्डू सिंह जी मैं प्लेन हाईजैकर्स का पीछा कर रहा हूँ, आप जल्दी से वेदास एयरपोर्ट आ जाइए। ओके शिवा। जीप चलाओ, चलाते रहो, रुकना मत, खत्म कर दो उसे, बहुत पीटा है उसने मुझे।
आज भागने नहीं दूंगा। अरे अब बस भी करो बच्चे। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। नाम है शेरा। रोशनी में करता हूँ अंधेरा, लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। अटेंशन, मेरा नाम लड्डू सिंह ऐसे ही थोड़ी फेमस हो गया। लड्डू सिंह अपराधी को हथकड़ी लगाने के लिए हमेशा सही जगह और सही समय पर पहुंचता है। थैंक यू शिवा, थैंक यू वेरी मच। Shiva!